हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, ट्वेल्थ क्लास की मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशन से। यानी अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर आपके पास 7 है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन और इसके टाइप सीखते हैं, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1 से। तो गाइस, हमारे साथ लगातार जुड़ जाइए और वीडियोज को लगातार देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन आपके पास कितने टाइप के होते हैं। तो इंटीग्रेशन आपके पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और आपके पास जो सेकंड है वो है आपके पास है डेफिनिट इंटीग्रेशन। दिख रहा है ना साहब, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए, एज अ नेम इंडिकेट, यानी आपका जो नेम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इनडेफिनिट, यानी इसकी कोई भी जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेट नहीं होगी। बट यहां पर क्या होगा, आपके पास एक कांस्टेंट टर्म जरूर आएगा जब फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, जिसको डिनोट करोगे आप सी से, प्लस सी आपके पास रहेगा। डेफिनेट में आपके पास होगा नो कांस्टेंट, आपके पास यहां पर कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, बट आपके पास इसकी क्या होगी, एक डेफिनेट वैल्यूज होगी। तो इतना ही डिफरेंट है दोनों में, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो चलिए, जो आपके पास सबसे पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम डेफिनेट और इनडेफिनेट पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग और अच्छे समझ लो। देखिए, सबसे पहले इनडेफिनेट में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन गिवन है f(x)=x2, इसका हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, इसको क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेट का सिंबलाइज ये होता है आपके पास x2 dx। तो एक आपके पास फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वह है आपके पास x^n dx। इसका फॉर्मूला होता है x^n+1/(n+1+c)। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर हैं और आप इनको क्या कर लीजिए, कॉपीराइट कर लीजिए, जिससे कि आप इंटीग्रेशन करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा आपके पास i^(x^2+1)/(2+1+c), यानी हो जाएगा 1/3 x^3+c। ये देखिए, यहां पर आपके पास क्या है, प्लस सी, यानी ये क्या आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, देखिए i = यहां पर आपके पास आ जाएंगे 0 से 1, एक लिमिट गिवन होगा x^2 dx, इसका आप इंटीग्रेट कर चुके हो, तो यानी इसका इंटीग्रेशन आपके पास i = आपका फाइनल क्या आ जाएगा, 1/3 x³, और लिमिट आपके पास है 0 से 1, इसमें आपके पास कोई भी प्लस सी वगैरह नहीं आएगा। देखिए, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए, x³ 0 to 1, यानी 1/3, अपर लिमिट अप्लाई कराएंगे पहले, तो 1^3 - 0, तो हो जाएगा आपके पास 1/3 फाइनल आंसर। तो देखिए, आपके पास यहां पर एक वैल्यूज आई है, बट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, यानी इसकी कोई डेफिनेट वैल्यूज नहीं है। तो गाइज, ये आपके पास इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंस। तो गाइज, जो इंटीग्रेशन है आपके पास, ये जस्ट इसमें जो फॉर्मूले यूज हो रखे हैं, जस्ट डिफरेंशिएट के अपोजिट फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूलों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपका ये इंटीग्रेशन का कंप्लीट जो चैप्टर है सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, वो है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव आपका जस्ट अपोजिट है डेरिवेटिव का। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है sin 2x, इसका निकालना है आपको एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने ऐसे कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करा था जिससे आपको sin 2x मिला था। तो देखिए, आपके पास आपने फंक्शन को डिफरेंस करा था, cos 2x को डिफरेंशिएट किया होगा, तो यानी आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो d/dx cos 2x = ये हो जाएगा आपके पास -sin 2x (2), ये हो जाएगा आपके पास -2 (sin 2x).
तो अगर यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकालनी हो किसकी, साइन टू एक्स की, तो आप निकालोगे साइन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू डी बाई डी एक्स ओवर कॉस टू एक्स। तो यानी एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, या फिर इज क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स। यानी माइनस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास फंक्शन मिलेगा साइन टू एक्स। तो इसको बोलेंगे हम एंटी डेरिवेटिव। तो गाइज ये होता है आपके पास एंटी डेरिवेटिव। कोई प्रॉब्लम की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको परेशान होने की, ये यार एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। ओके तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखिए गाइज आप 7.1 का क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए आई इज इक्वल टू, इसको पहले अलग अलग कर लीजिए, 4 इंटू ई की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेट 1 dx। ये इंटीग्रेशन का सिंबलाइज होता है। एक बार और बताते हैं, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएट का जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने हैं उसका जस्ट अपोजिट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो आई विल बी इज इक्वल टू 4 इंटू ई की पावर x का होता है e की पावर x, तो यहाँ e की पावर 3x है तो e की पावर 3x हो जाएगा। डिफरेंशिएट में जो एक्स्ट्रा होता था उससे हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में जो एक्स्ट्रा होता है उससे हम इसको फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके प्लस 1 dx, 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट में जो कांस्टेंट होता था उसका डिफरेंशिएट 0 होता था, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर क्या जाएगा x, और ये हो गया प्लस c। इसको लेंगे i इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये है आपके पास फाइनल आंसर, बहुत ही ईजी है। अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद एडवांस लेवल पर आएंगे हम। तो गाइस ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अंदर एंटर कराएंगे। एंटर कराने के बाद आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिलेट हो जाएगा, ये 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिलेट, सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर आपके पास क्या आया 1, तो ये हो गया आपका 1, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रखा है एक्स की पावर एन वाला, तो यानी एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स का एक्स। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म जीरो नहीं होता है, कॉन्स्टेंट टर्म की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यहाँ पर देख लीजिए ये हमने क्यों कराया, तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला यूज हो रखा है इंटीग्रेट एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो गाइस कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, बस नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सीखने हैं। तो चलिए गाइस एक क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं 8, शायद आपको कंफ्यूजिंग हो। इस बार इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेट करना है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये है आपके पास फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो ए बी सी है ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम कैसे करेंगे, देखिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लीजिए यानी स्प्लिट कर लीजिए, तो जाएगा आपके पास ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेट डी एक्स। यहाँ पर हमने देखिए इस बार वन है वहां पर, बट मैं लिख नहीं रहा हूं, तो सो ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी एक्स। सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ए इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट टर्म जरूर लगाना होगा आपको प्लस का सी, क्यों, क्योंकि आपके पास चल रहा है
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए गाइज, इस बार हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर है 10। आई इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले हम स्लो मोशन में सीखेंगे, देन हम फर्स्ट मोशन में चलेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट अपन क्या, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम। सो आई इज इक्वल हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेट रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है डी एक्स। आई इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स, रूट एक्स कैंसिलेट माइनस टू डी एक्स। अब क्या कर लीजिए, आप इसको अलग अलग कर लीजिए। सो इंटीग्रेट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेट डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास आई इज इक्वल टू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से है। वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास लॉग एक्स, आप फॉर्मूले में देख सकते हैं माइनस टू एक्स प्लस सी। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास इंटीग्रेट करने के लिए है, आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जाएगा। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे, देन उसको सॉल्व कर लेंगे, देन हम उसका इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो सो यहां पे स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेट, फाइव कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फोर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर पावर क्यूब कैंसिलेट एक्स डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिलेट प्लस फाइव डी एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर की पावर जब अपॉन में लेके जाएंगे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। अब इस फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर इंटू एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 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 टू प्लस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस फोर इंटू एक्स की पावर माइनस वन प्लस का सी। सो आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स, इनवर्स अपॉन में गया तो आपके पास क्या हो गया प्लस एक्स प्लस सी। प्लस सी क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके गाइज, तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है। चलिए एक दो क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें क्या करना है, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन भी आपके पास। आई इज इक्वल टू यहाँ पर इसको बस थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। पहले एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कॉमन किया आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आएगा एक्स माइनस वन प्लस वन कॉमन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। आपके पास आई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कॉमन एक्स माइनस वन कॉमन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, एक्स माइनस वन कैंसिलेट, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इसको क्या कर लेंगे, आप स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेट वन डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी, यानी इसको फाइनल आंसर लेंगे वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सी। तो गाइज ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो गाइज आप जो भी क्वेश्चंस को करेंगे, अगर कंफ्यूजिंग किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है तो आप क्या कर सकें, उसको कर सकते हैं आप उसको कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू।